आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश में हिंदी दिवस के मौके पर कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री और मुगावली से कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का आज उनके गृह गांव कालूखेड़ा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन संभाग और छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में एक सांस्कृतिक रोड शो में भाग लिया। 8 किलोमीटर लंबा रोड शो अहमदाबाद हवाई पट्टी से शुरू हुआ और साबरमती के गांधी आश्रम में संपन्न हुआ। श्री मोदी और श्री आबे कल मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। कल ही वे गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 12वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर रोड शो किया है। प्रदेश में हिंदी दिवस के मौके पर कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आज भोपाल स्थित माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में साहित्यकार नरेंद्र कोहली का व्याख्यान आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि मातृभाषा हिंदी के प्रति हीनता का भाव होने के कारण हम प्राचीन ज्ञान विरासत से अलग हो गए। श्री कोहली ने कहा कि हमें अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए। हिंदी दिवस पर कल भोपाल स्थित आकाशवाणी केंद्र में भी हिंदी पखवाड़े की शुरुआत होगी। उद्घाटन समारोह में जानी मानी लेखिका मेहरुन्निसा परवेज विशेष अतिथि होंगी। वहीं युवाओं में हिंदी की समझ को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के शासकीय मौलाना आजाद केंद्रीय पुस्तकालय में शुक्रवार से 2 दिवसीय हिंदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल हिंदी दिवस पर राजभाषा के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे और हिंदी भाषा सिखाने वाले एक ऐप का भी लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर वो राजभाषा विभाग द्वारा सीडैक के सहयोग से तैयार किए गए लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीला के मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी करेंगे। इस ऐप से देश भर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को हिंदी सीखने में सुविधा और सरलता होगी। हिंदी भाषा को समझना, सीखना और कार्य करना संभव हो सकेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि जनधन योजना के अंतर्गत शून्य बैलेंस वाले खातों की संख्या 77% से घटकर 20% रह गई है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से नई दिल्ली में आयोजित वित्तीय समावेशन सम्मेलन में श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 30 करोड़ खाते खोले गए थे। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले वित्तीय समावेशन सरकार के एजेंडे में प्रमुख नहीं था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य सभी देशवासियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। श्री जेटली ने कहा कि इन बेसिक बैंकिंग खातों में ₹5,000 तक ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा है। आयुष मिशन के तहत रीवा जिले के ग्राम बरों में आयुष ग्राम योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इससे गांव के प्रत्येक घर को आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा मिलने लगेगी। योजना में प्रदेश के 30 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें 5 गांव रीवा जिले के हैं। योजना में शामिल होने से गांव के एक एक घर का स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो सकेगा। इसके बाद एकत्र सूचनाओं के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हर माह प्रत्येक गांव में 2 बार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। लोगों को आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य रक्षा के उपाय, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करने की सलाह भी दी जाएगी। औषधीय पौधों का हर पौधा घर में लगाया जाएगा। किसानों को उद्यानिकी विभाग के सहयोग से जड़ी बूटियों की लाभदायक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर आज भोपाल में मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की मानवाधिकार संरक्षण में प्रासंगिकता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने कहा कि मानव अधिकार किसी के व्यक्तित्व के विकास को पूर्णता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों में विधिक सेवा प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री ममतानी ने कहा कि आयोग का प्रयास है कि मानव अधिकारों के हनन की घटनाओं को सार्थक तरीके से रोका जाए। कार्यक्रम को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य वीवी श्रीवास्तव और अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री और मुंगावली से कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा को आज उनके गृहगांव कालूखेड़ा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बेटी गरिमा और कनक ने पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ राजेंद्र कुमार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि 11 सितंबर को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 72 वर्षीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का निधन हो गया था। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजल कुमार ज्योति ने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि विदेशों में तैनात सैनिक मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। चुनाव आयोग की ओर से आयोजित सम्मेलन में श्री ज्योति ने कहा कि इन सैनिक मतदाताओं को भी सरकार चुनने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। सम्मेलन मतदाता सूचियों का अंतिम भाग तैयार करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया है। खंडवा जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध में 8 यूनिट के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 252 मीटर तक पहुंच गया है, वहीं ओमकारेश्वर बांध का जलस्तर 191 मीटर तक पहुंच गया है। इसके चलते नगर पंचायत ने बांध के निचले घाटों में चेतावनी जारी कर लोगों को सतर्क रहने को कहा है। सेना के दक्षिणी कमान का अलंकरण समारोह कल सुबह भोपाल स्थित सुदर्शन कोर के मुख्यालय दुरांजर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में करीब 40 जवानों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें से कुछ को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल PM हैरिस उपस्थित रहेंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा इसी साल गणतंत्र दिवस पर की गई थी। शहडोल जिले में कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने एक निजी अस्पताल में पैसे नहीं चुकाने पर शव को रोके जाने की शिकायत सही पाए जाने पर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया। कल देर शाम किए गए निर्णय के आधार पर आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश पांडे ने इस निजी अस्पताल को 3 दिन के अंदर अस्पताल बंद करने के आदेश दिए हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभाग तथा छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। वहीं सागर, दमोह, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद संभाग और जबलपुर संभाग में अधिकांश जिलों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि भोपाल और रीवा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान बरघाट में 9, कटंगी में 8, बड़नगर में 7, सरदारपुर में 6, बैतूल, महेश्वर, हरदा, चिचोली, रीवा, सेंधवा, इंदौर, खिरकिया, सलाना में 5-5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। हमारे देवास संवाददाता ने बताया कि जिले में दोपहर बाद तेज वर्षा होने से तापमान में कुछ कमी आई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और पंच सरपंचों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के घरों में शौचालय निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। इनके घरों में शौचालय न पाए जाने पर इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। खंडवा जिले में जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन द्वारा ट्रक चालकों को ढाबों के पास खुले में शौच नहीं जाने की समझाइश देकर शपथ दिलाई गई। शिवपुरी जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अनूपपुर जिले में बिजली गिरने से 7 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में एक 7 साल की बच्ची भी शामिल थी। मुरैना जिले में प्रसव के बाद महिला की मृत्यु होने से महिला के परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश में हिंदी दिवस के मौके पर कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री और मुंगावली से कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का आज उनके गृह गांव कालूखेड़ा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और मौसम केंद्र भोपाल ने आगामी 24 घंटों के दौरान होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन संभागों और छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।